फिर मैथ्स तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर का नेम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कंप्यूटर कैसे आया, कहाँ से आया, किसने बनाया। आगे हम इस चैप्टर के डिटेलिंग पढ़ेंगे कि एक्चुअली कंप्यूटर के पीछे हिस्ट्री क्या है। तो हम पहले कंप्यूटर जो वर्ड है, द फर्स्ट यूज़ ऑफ वर्ड कंप्यूटर वॉज रिकॉर्डेड इन 1630, मीन्स 1630 में जो वर्ड है कंप्यूटर ये पहले सुनने में आया। रेफरिंग टू अ पर्सन हु कैरिड आउट कैलकुलेशन और कंप्यूटेशंस, मीन्स जो इंसान कैलकुलेशन कर रहा था उस दौरान या कंप्यूटेशंस कर रहा था। एंड द वर्ड कंटिन्यू टू बी यूज इन द सेंस अंटिल द मिडल ऑफ द 20th century। उसके बाद ये वर्ड कंटिन्यू रहा 20th century तक। ऑरिजिनली कैलकुलेशंस वर कंप्यूटेड बाई ह्यूमन्स हुज जॉब टाइटल्स वर कंप्यूटर्स, मीन्स जो नॉर्मली जो इंसान है वो कैलकुलेशन पार्ट करते हैं, लेकिन वो अब कंप्यूटर के थ्रू कैलकुलेशंस करते हैं। दीज ह्यूमन कंप्यूटर्स वर टिपिकली इंगेज इन द कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो ह्यूमन कंप्यूटर्स होते हैं वो टिपिकली हम लोग अरेंज नहीं कर पाते और मैथमेटिकली उनको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने डेवलप किए कई सारे डिवाइसेस, जैसे कि कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि इंसान ह्यूमन कंप्यूटर्स को अवॉइड करके, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके के डिवाइसेस उन्होंने डेवलप किए, इंट्रोड्यूस करे हमसे। तो पहला है टेलीस्कोप स्टिक। इट वॉज एन एंशियंट मेमोरी एड डिवाइस टू रिकॉर्ड द डॉक्यूमेंट नंबर क्वांटिटीज और इवन मैसेजेस। उसमें हम क्या करते हैं, एशियन टाइम में तो जो डिवाइस होते थे वो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होते थे, जैसे कि हमारे नंबर्स, क्वांटिटीज या मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट हमारा आया अबेकस। अबेकस एक तरीके का मशीन डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, जिसको हम इंडिविजुअल यूज़ करते हैं परफॉर्म करने के लिए मैथमेटिकली, मीन्स कैलकुलेशन पार्ट के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। वो इन्वेंट किया था बेबीलोनिया ने 2400 में, मींस 2400 BC में। द बैकस इन द फॉर्म वी आर मस्ट फैमिलियर विद वॉज फर्स्ट यूज इन चाइना इन अराउंड 500 BC, जो बहुत ज़्यादा फैमिलियर, बैकस हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी हैं, और जो फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया था चाइना में, यूज़ किया था अराउंड 500 BC में। इट वॉज यूज टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, उसको बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करने के लिए यूज़ किया गया था। देन नेफियस बोन्स, नेफियर बोन्स है, मीन्स इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेफियर ने इसे इन्वेंट किया था 1617 में। इट अलाउड द ऑपरेटर टू मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड कैलकुलेट स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स बाय मूविंग द रॉड्स अराउंड एंड प्लेसिंग देम इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोन्स। एक्चुअली में जो नेफियर बोन्स ने जो इन्वेंट किया था, नेफियर बोन्स जो एक्चुअली डिवाइस हमारा जॉन नेफियर ने जो इन्वेंट किया था, वो मल्टीप्लीकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। और जो एक क्यूब रूट स्क्वायर रूट का मीनिंग है, क्यूब रूट का मीनिंग होता है लाइक 2 × 2 × 2, और स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है 2 × 2, लाइक 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81, और क्यूब रूट का होता है 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 8 × 2 = 4 × 2 = 8। इस तरीके की कैलकुलेशन के लिए उसे यूज़ इन्वेंट किया गया था। इस तरीके की कैलकुलेशंस नेफियस बोन भी होती थी। स्लाइड रूल, इट वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑक्ट्रेड इन 1622। इट वॉज बेस्ड ऑन नेफियस आइडियाज अबाउट, मीन्स जो ये वाला हमारा जो ये डिवाइस है वो थोड़ा बहुत नेफियर बोन्स पे ही बेस्ड था, जो कि विलियम ने इन्वेंट किया था। उसके जो यूजेस थे वो पहला था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेसिक यूज़ तो ये थे ही, उसके साथ रूट्स था, ट्रिग्नोमेट्री थी और लॉगरिथम्स थे। तो इट वाज नॉट नॉर्मली यूज फॉर एडिशन, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं होता था। नेक्स्ट हमारा पैस्कलाइन। पैस्कलाइन भी एक हमारा ऐसा डिवाइस है जो कि ब्लेस पैस्कल ने डिवाइस को इन्वेंट किया था 1642 में। वो एक ऐसा डिवाइस है, सिर्फ वही जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मीन्स बहुत ज़्यादा महंगा है। स्टेप्ड रेकॉर्डर, इट वाज इन्वेंटेड बाय गॉटफ्रिड विलहम
1671 में इन्वेंट किया गया है। इस मशीन की मदद से हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली सारे कैलकुलेशंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम भी मैकेनिकल लूम ही है, जो कि जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने इन्वेंट किया था 1804 में। उसमें ऑटोमेटिक लूम कंट्रोल्ड बाय पंच्ड कार्ड्स, उसमें कार्ड्स की मदद से, पंच कार्ड्स की मदद से उसमें कैलकुलेशंस होती हैं और ऑटोमेटिक लूम्स है मींस वो। नेक्स्ट हमारा है अरिथमोमीटर। एक ये भी एक हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस है। थॉमस जी कॉलमो ने इसको इन्वेंट किया था 1820 में। इट वॉज़ द फर्स्ट रिलायबल, यूज़फुल एंड कमर्शली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल, रिलायबल और सक्सेसफुली मशीन रहा अब तक का। दिस मशीन कुड परफॉर्म द फोर बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस, चार तरीके के मैथमेटिकल फंक्शंस वो उसमें हम कर सकते थे। इट वॉज़ द फर्स्ट मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन, उसको फर्स्ट मास प्रोड्यूस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग कैलकुलेशन मीन्स कई तरीके की कर सकते हैं, इसलिए उसको मास प्रोड्यूस बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो कि एक मशीन है, चार्ल्स बैबेज ने इसको इन्वेंट किया था 1837 में। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट जनरेशन मैकेनिकल कंप्यूटर पे बेस्ड है। तो अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलेशन इंजन। कैलकुलेशन इंजन जो कि पर जॉर्ज ने इन्वेंट किया था 1843 में, वो भी चार्ल्स बैबेज की जो हमारा इन्वेंशन था उसी पे बेस्ड है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था उससे। वो एक फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर रहा, नेक्स्ट हमारा टैबुलेटिंग मशीन, वो जो कि टैबुलेटिंग मशीन है वो हर्मन हॉलरिक ने इन्वेंट किया था 1890 में, जो कि इंफॉर्मेशन या काउंटिंग को समराइज़ करने के लिए यूज़ किया गया था। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हार्वर्ड मार्क वन। एक्चुअली हमारा बोल सकते हैं उसको, हम IBM भी बोल सकते हैं, जिसका मीनिंग है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, दैट इज ASCC। वो इन्वेंट किया था होवर्ड ने 1944 में। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी है वो। देन ZI, इट वॉज़ द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। इट वॉज़ क्रिएटेड बाय कॉनार्ड जूसू ऑफ जर्मनी। जर्मनी के थे वो जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, और इन्वेंट किया था 1936 में। 1936 से लेकर 1938 तक ये इंट्रोड्यूस रहा। और इसका जो प्रोग्राम है, ZI का जो प्रोग्राम है, उसको यूज़ किया जाता था लाइक पंच टेप को इंसर्ट करने के बाद पंच टेप उसको रीड करता था, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट निकल के आते थे, मीन्स हमारे पास आउटपुट आते थे पंच टेप की मदद से ही। एटेंसॉफ बैरी कंप्यूटर, दैट इज़ ABC, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस है। उसको प्रोफेसर जॉन एटेंसॉफ ने इन्वेंट किया था, जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट है क्लिफोर्ड बैरी के, और उन्होंने 1937 टू 1942 तक इसको इंट्रोड्यूस करवाया। देन नेक्स्ट हमारा ENIAC। ENIAC का जो फुल फॉर्म है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इट वॉज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, कम्प्लीटेड इन 1946 में कम्प्लीट हुआ है। इट वॉज़ डेवलप बाय जॉन फ्रेस्फर एकेड एंड जॉन वर्चली। इसको दो व्यक्तियों ने इसको इन्वेंट किया है। नेक्स्ट हमारा यूनिवेक। यूनिवेक का जो यूनिवेक वन, दैट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वन, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है, जो कि जॉन फ्रेस्फर एकर्ट और जॉन मर्च ने ही डेवलप्ड किया है। नेक्स्ट है हमारा EDVAC, EDVAC। ये इसका जो फुल फॉर्म है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। इट वॉज द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर डिजाइन बाई जॉन मार्चले एंड जॉन पेपर एक्कर। इसको भी दो व्यक्ति ने ही डेवलप किया है। ये एक तरीके का हेड, इसके अंदर एक तरीके का मेमोरी है जो स्टोर भी कर सकता है एज वेल एज अब स्टोर भी कर सकता है प्रोग्राम को, और डाटा को भी स्टोर कर सकता है।
तो और नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि 1981 में रिलीज़ हुआ, दैट मीन हमारे सामने आया ऑस्ब्रिन कंप्यूटर कॉरपोरेशन की मदद से, उन्होंने हमें इससे इंट्रोड्यूस करवाया है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हमारे पास सभी तरीके के कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल है कि शुरुआत कहाँ से हुई और आज हम जिस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कंप्यूटर है। आई नो कि एक बार ये बहुत टिपिकल हो जाता है एक बार में सारा समझना, तो आई होप एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार देखने के बाद ही आपको इसके जो डिटेलिंग है वो आपको समझ में आएंगी। आपको यह याद करने होंगे आपको कौन सा कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया होगा, मेन फोकस इस पर करना है। एंड आपका जो नेक्स्ट डे का होमवर्क यही होगा कि आप इसकी बुक एक्सरसाइज बुक में ही करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे।